देश के कई राज्यों में भारी बारिश की खबरें सामने आ रही है। ऐसे में तेलंगाना के खम्मम जिले में मानेर नदी में आई बाढ़ से जोड़कर ये वीडियो शेयर किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि बाढ़ में घंटों से फंसे 9 लोगों को सुभाष खान नामक एक जेसीबी चालक ने बचाया। ऐसे ही क्लेम के साथ कई वेरीफाइड अकाउंट्स ने ये वीडियो शेयर किया। यूट्यूब पर भी ये वीडियो ऐसे ही दावे के साथ अपलोड किया गया है। हालांकि जब ऑल्ट न्यूज ने वीडियो के बारे में छानबीन की तो पाया कि ये वीडियो भारत का है ही नहीं। वीडियो के फ्रेम को सर्च करने पर हमें ये वायरल वीडियो अप्रैल 2024 में पोस्ट किया हुआ मिला। आगे जांच जारी रखते हुए हमें उसी टाइम फ्रेम की गल्फ न्यूज़ की ये रिपोर्ट मिली। इस आर्टिकल में बताया गया है कि सऊदी अरब के बिशा प्रांत में बाढ़ में फंसे 4 लोगों को अयद बिन दगाश अल अकलाबी ने बुलडोजर की मदद से बचाया था। वहीं 2 नागरिक सुरक्षा कर्मियों ने भी उसकी मदद की थी। यहाँ ये बात तो साफ हो जाती है कि वायरल वीडियो सऊदी अरब में अप्रैल 2024 में आई बाढ़ से जुड़ा है, न कि सितंबर 2024 में भारत के तेलंगाना में आई बाढ़ से। लेकिन ये सच है कि सुभाष खान ने तेलंगाना बाढ़ में फंसे 9 लोगों को बचाया था। कई मीडिया रिपोर्ट्स में इस बात की जानकारी भी दी गई है। एनडीटीवी से जुड़ी पत्रकार उमा सुधीर ने इस घटना के कुछ वीडियोज भी ट्वीट किए हैं। यानी तेलंगाना में बाढ़ में फंसे लोगों को बचाने का बताकर सऊदी अरब में आई बाढ़ का वीडियो भारतीय सोशल मीडिया पर शेयर किया गया।